अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप। मैं हूं अक्सा और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं टमाटर फिशल स्क्रब और क्लिनजर। जैसा कि आप टिकटॉक पर देखते हैं मास्क इसका बनाना, और ये होम रेमेडी है, इसका कोई भी नुकसान नहीं होता और आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। लाइव आपके सामने जो है दिखाऊँगी, तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और साथ वाली बेल को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने टमाटर से जो है इस तरीके से जूस निकाल लिया है। इसको अच्छे से जो है इसमें आपने रो मिल्क जो है वो ऐड कर देना है, कच्चा दूध लेना है। अगर आपके पास उबला हुआ है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारी क्लींजिंग होगी अच्छे से, फेस की जितनी भी डस्ट होगी वो रिमूव हो जाएगी, जितनी भी टैनिंग होगी फेस के ऊपर वो रिमूव हो जाएगी और इस तरीके से ब्राइटनेस आपकी स्किन पर आएगी। मैं अपने हाथ पर आपको चेक करवाऊँगी, आप इसे फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से क्लींजिंग करनी है और मुकम्मल आपको वीडियो देखनी है, मुकम्मल मास्क बताऊंगी और आपको काफ़ी जो है अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस मास्क से। लाइव आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को आपने मुकम्मल ज़रूर देखना है। तो ये आपकी रिक्वेस्ट पर वीडियो होती हैं कि किस तरह की वीडियो जो है आपको चाहिए होती है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह मैं कमेंट भी जो है आपका दिखाया करूँगी, वीडियो में बताया करूँगी जो भी रिक्वेस्ट होगी। अभी हमें क्लिनजिंग करनी है, क्लिनजिंग करने के बाद थोड़ी टाइम के बाद हमें जो है अपने फेस को वॉश कर लेना है। मैं तो हाथ की स्किन पर कर रही हूँ। अभी मैंने आपके सामने जो है टमाटर लिया है और इसमें जो है आपने खुशक दूध जो है ना वो ड्राई मिल्क इसमें ऐड कर देना है, या फिर इसके अलावा आप चावलों का आटा भी ले सकते हैं। इसे अपनी स्क्रबिंग करनी है अच्छे से। अभी आप देख सकते हैं कितनी मैल कुचैल जो है वो निकल रही है। पहले हमने 3 से 4 मिनट जो है वो क्लिनजिंग की है, तो अभी जो है हम स्क्रब करेंगे। अभी हम इसका मास्क भी बनाएंगे और बिल्कुल वैसे ही नेचुरल रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो अभी जो है इसको अच्छे से टमाटर को जो है इस तरीके से इसका जो है क्रीम बना लेनी है। इस तरीके से अच्छे से जो है इसे मैश करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसमें कौन से इंग्रेडिएंट डालने हैं जिससे आपका अच्छे से मास्क बन जाए। अगर आपका फेस डल हो गया, ब्राइटनेस नहीं रही आपके फेस पर, तो ये आपके फेस पर ब्राइटनेस भी करेगा। आपके फेस पर जो भी मसलन साइन है, अगर दाने निकल रहे हैं या फेस पर कोई भी क्रीम अच्छे से वर्क नहीं कर रही या क्रीमें यूज़ कर करके फेस का काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुरा हाल हो गया है, तो आप इस तरीके से ये वाले होममेड रेमेडीज़ की तरफ आ सकती हैं, जिसका कोई भी नुकसान नहीं है। अच्छा, लींबू के हमने जो है लींबू इसमें जूस डाल देना है, उसके बाद हमने ड्राई मिल्क इसमें ऐड कर देना है। और मुल्तानी मिट्टी जो है मैंने इस तरीके से भगो के रख ली थी, और ये मुल्तानी मिट्टी मैंने ऐड करनी है। अभी हमने एक मेन इंग्रीडियंट इसमें डालना है जिससे हमारा मास्क बिल्कुल रेडी हो जाएगा और आपको लाइव रिज़ल्ट आपकी आंखों के सामने होंगे। जैसा कि मैंने पहले दिखाया कि किस तरीके से ब्राइटनेस और जो है स्किन आपकी लाइटनेस की तरफ जाएगी, तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अच्छे से इसे मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हमने मेन इन्ग्रीडियंट इसमें डालना है जी टर्मरिक। हल्दी इसमें डाल देनी है, और ये कुकिंग वाली हल्दी नहीं है, ये बिल्कुल जो देसी हल्दी होती है वो वाली हल्दी है। तो अभी हम जो है इसे अपने फेस पर लगा लेंगे। मैं अपने हाथों की स्किन पर चेक करवा रही हूँ। हाथों की स्किन यानी कि फेस की स्किन से ज़्यादा सख्त होती है और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, जैसा कि फेस पर जो है वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो अभी बिफोर और आफ्टर लुक भी आपके साथ शेयर करूँगी 5 मिनट रखने के बाद। तो ये देख सकते हैं कि पहले हमारी लुक कैसी थी और अब फ़र्क आपकी आंखों के सामने। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।